आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिकायत करने चौकी पहुंचे युवक की पिटाई, अखिलेश यादव ने इस घटना पर बीजेपी को घेरा ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार जनता पर वार। आजम खां की बड़ी मुश्किलें, स्कूल की मान्यता के मामले में आजम खां के खिलाफ चार्जशीट, 6 जून को होगी सुनवाई। यूपी के डीजीपी पद से आर के विश्वकर्मा होंगे रिटायर्ड, डीजीपी पद को लेकर रेस हुई तेज। गौरव यात्रा निकालने को लेकर दो समुदाय में तनाव, प्रशासन ने बंद किया इंटरनेट सेवा। आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा, गंगा दशहरा पर स्नान को उमड़े श्रद्धालु। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बदायूं के सिसैया गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सिसैया निवासी पिंटू जाटव का अपने भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। वो शिकायत लेकर कार्रवाई की, पास के पुलिस चौकी पहुंचा। यहां हाफ पैंट और बनियान में बैठे दरोगा का दिमाग ने बिना कुछ पूछे जांचे बेल्ट में हाथ लेकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी के कार्यवाहक दरोगा जी ने अपने आराम में खलल पड़ने पर फरियादी जनता पर ही अपनी बेल्ट से हिंसक प्रतिक्रिया दी। अच्छा हुआ दरोगा जी के पास बेल्ट था, थार या बुलडोजर नहीं तो भाजपा सरकार जनता पर वार। तो सोशल मीडिया पर बदायूं से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दरोगा एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि शिकायत करने पहुंचे युवक चौकी पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिसकर्मी ने युवक को बेल से पीटा है, जिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, जो बदायूं का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बदायूं में उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उनके बताया जा रहा है कि फरियादी पहुंचा था अपनी फरियाद लेके और आराम में खलल मिलने पर जो है बेल्ट से जो है फरियादी को पीटा गया है। ये वीडियो वायरल हुआ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये मामला पहुंचा और इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके कटाक्ष किया। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के कार्यवाहक दरोगा जी ने अपने आराम में खलल पड़ने पर फरियादी जनता पर अपनी बेल्ट से ही हिंसक प्रतिक्रिया दी है। अच्छा हुआ दरोगा जी के पास बेल्ट है, थार या बुलडोजर नहीं, भाजपा सरकार जनता का वार। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार हावी हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, बेहतर कानून व्यवस्था है, वहाँ इस प्रकार के अगर वीडियो वायरल होते हैं, मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है पुलिस पर भी खड़ा होता है। और इसी तरह के सवाल निशान पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि एक दरोगा ने एक फरियादी को बेल्ट से मारा है, आखिर उस फरियादी की क्या गलती रही होगी। कोई भी जाता है तो फरियाद लेके जाता है, समस्याओं से जूझते हुए जाता है, समस्या का निस्तारण न करने के कारण उन्होंने प्रहार किया है, ये काफी निंदनीय है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर आर के विश्वकर्मा का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा है। अगला डीजीपी कौन होगा इसको लेकर प्रदेश में अभी से चर्चा तेज हो गई है। क्या इस बार भी सरकार कार्यवाहक से काम चलाएगी या पुरकालिक डीजीपी की तैनाती करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं 31 मार्च 2023 को डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड आर के विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। अब आर के विश्वकर्मा भी 30 मई को रिटायर हो जाएंगे। आर के विश्वकर्मा के बाद यूपी
पुलिस में एक बार फिर डीजीपी पद को लेकर रेस तेज हो गई है। 31 मार्च 2023 को डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, जो कि 30 मई को रिटायर हो जाएंगे। तो यूपी के डीजीपी पद से आरके विश्वकर्मा 30 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिसको लेकर अब इस पद की रेस तेज हो गई है। इसके बाद बता दें कि यूपी के डीजीपी पद के आरके विश्वकर्मा 30 मई को रिटायर हो रहे हैं रिक्त पद पर, इसको लेकर अब रेस तेज हो गई। आखिर कौन अगला डीजीपी बनेगा? आपको बता दें कि डीजीपी आरके विश्वकर्मा 30 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिसको लेकर अब इस रिक्त पद पर रेस तेज हो गई है कि आखिर अगला डीजीपी कौन बनेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, आखिर अब अगला यूपी डीजीपी कौन होगा? आरके विश्वकर्मा तो 30 मई को रिटायर हो रहे हैं। जी देखिए, यूपी में कल डीजीपी आए डॉक्टर आरके विश्वकर्मा हैं और उनके साथ ही 3 आईपीएस अफसर हैं, डीजी विशेष जांच आईपीएस चंद्र प्रकाश, आईजी ईओडब्ल्यू आईपीएस रामलाल वर्मा और एसपी विजिलेंस आईपीएस मानिक चंद्र सरोज भी रिटायर हो रहे हैं कल। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो डीजीपी की रेस है वो शायद आज शाम तक या शासन की रेस पे ये आदेश जारी हो जाएगा कि कौन होगा अगला डीजीपी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आशासन है कि जो विजय कुमार हैं उन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय कुमार हो सकते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि शायद शाम तक विजय कुमार के नाम पर खप्पा लगे और शासन अगला डीजीपी के रूप में विजय कुमार को देख सकता है। लेकिन कहना कि देखने वाली बात यह है कि जैसे पिछले डीजीपी थे वो कार्यवाहक नहीं थे, बाकायदा उन्हें जो है एक बतौर डीजीपी के तौर पर तो रखा गया था, लेकिन वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नहीं थे। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि क्या जो परमानेंट डीजीपी सरकार रखती है या फिर पिछली बार की तरह एक प्रॉपर डीजीपी के तौर पर रखती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। सपा नेता आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े के आरोप में शहर कोतवाली की पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। इसमें मुकदमे के वादी खंड शिक्षा अधिकारी सहित 19 लोगों को गवाह बनाया गया। पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चार्जशीट देखने के बाद उसे 6 जून को दाखिल करने का आदेश दिया। आरोप है कि यतीम खाना में बने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा किया गया है। इस स्कूल की मान्यता के लिए आरपीएस की दूसरी ब्रांच के लिए जारी एनओसी का इस्तेमाल किया गया है। इस आरोप में वर्ष 2020 में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह ने शहर कोतवाली में आजम खां और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आजम खां की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। रामपुर स्कूल को लेकर 888 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। देखिए, सपा नेता आजम खान की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फर्जी स्कूल के मामले में पुलिस ने बकायदा चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। कुल 1888 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल हुई है। आरपीएस स्कूल की फर्जी मान्यता के मामले में ये चार्जशीट दाखिल हुई है और रामपुर कोर्ट में अब एमपीएमएलए कोर्ट में 6 जून को इस मामले की सुनवाई भी की जाएगी। बकायदा एबीएसए समेत 19 लोग इस मामले में गवाह भी बनाए गए हैं और रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने ये चार्जशीट दाखिल कर दी है एमपीएमएलए कोर्ट ने। साल 2020 में एबीएसए ने मुकदमा दर्ज कराया था और बीएसए कार्यालय में तैनात जो बाबू है इस मामले में आरोपी उनको बनाया गया है। आजम खान, संजीना फातिमा, तौफीक अहमद, इन्हें भी आरोपी बनाया गया है और अब तक इस मामले में आजम खान जमानत पर बाहर है। आजम खान की पत्नी संजीना फातिमा अग्रिम जमानत पर है, वही क्लर्क तौफीक अहमद को भी बकायदा जमानत मिल गई है। लेकिन इन सबकी जो है मुस्कुरे जो है वो जो फर्जी स्कूल के मामला है उस पे अब बढ़ती देखी जा सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। सहारनपुर में दो समाजों के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए अगले आदेशों तक प्रशासन ने इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी सहारनपुर कार्यालय की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया,
जिसमें बताया गया कि गुजर समुदाय द्वारा गौरव यात्रा निकाली जानी है। वहीं राजपूत समुदाय द्वारा गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा पर ऐतराज किए जाने से गुजर समाज में काफी रोष है, जिसे राजपूत समाज और गुजर समाज के बीच टकराव की स्थिति होने की प्रबल संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवा बंद किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव सक्सेना जुड़ेंगे। गौरव, प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है सहारनपुर में, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? और देखिए, गुजरों की जो गौरव यात्रा निकाली गई थी, उसका प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और ये यात्रा जो है बिल्कुल ही उनकी ओर से निकाली गई, जिसका प्रशासन का कोई अनुमति का कोई अभाव नहीं व्यक्त कर पाए। और जिस तरीके से सहारनपुर में प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प होना पाया गया है, सोशल मीडिया पर भ्रामक से खबरें, भ्रामक के तौर पर खबरें फैल रही थी, उसको लेकर सरकार ने आदेश अनुसार, डीएम के आदेश अनुसार जो है ये इंटरनेट सुविधा सहारनपुर में बंद की गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। अमरोहा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में स्वृद्धि महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन और तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं मेले में योजना के लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋण आवेदन को स्वीकृत कराकर ऋण का वितरण कराना, पूर्व में स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरण कराना और कैशबैक के लाभ से अवगत कराना, योजना के अंतर्गत अच्छी ऋण साख डिजिटल लेन देन का प्रयोग करने वालों को चिन्हित कर प्रथम 10 को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, और कोरोना के समय में इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, उसी को लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहल की गई थी उनके आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए। और इसमें हम लोग 3 प्रकार का इसमें लोन दे रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोन दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अमरोहा जनपद ने द्वितीय ऋण में जो है पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। और हाल ही में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल ये है कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऋण दिया जा चुका है, उनको कहीं ना कहीं जो है उनको जो हमारे डिजिटल लेन देन है उससे। लखनऊ में आईपीएस के घर के सामने रिवर्स नहाने पर एफआईआर दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि युवक महिला कर्मचारियों को सामने से अश्लील इशारे करता था और विरोध कर उन्हें गाली देता था। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां महिला कर्मचारियों को अश्लील इशारे करता था युवक, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएस के घर के सामने निवर्ष नहाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारियों को अश्लील इशारे करता था युवक, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, आईपीएस महिला के घर के सामने निवास नहाने पर एफआईआर दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि युवक अश्लील हरकतें करता था, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से उठाने के क्षेत्र में एक आईपीएस रहते हैं, उस आईपीएस का नाम हबीबुल हसन है, और उनके घर के सामने एक युवक जो है लगातार जो है निर्वस्त होकर के नहाता था और लगातार जो इशारे करता था वो अश्लील इशारे थे, क्योंकि महिलाओं को जो अश्लील इशारे किए जा रहे थे। इस मामले को लेकर जो वहां पे काम करने वाली जो कर्मचारी आती थी, उन्होंने भी कई बार विरोध किया था। और इस मामले को लेकर जिस तरीके से आईपीएस का जो ड्राइवर है उसने भी देखा, तो उसने भी विरोध किया। लेकिन इस दौरान जब उन्हें इस मामले में जानकारी हुई, तो उनके द्वारा भी जब इस मामले में उसको मना किया गया, लेकिन उसकी हरकतें लगातार और बढ़ती जा रहे थे, जिसके बाद आईपीएस ने तहरीर दे करके उधर कोतवाली में इस मामले का केस दर्ज कराया। और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तो लोग हैं वो लगातार पुलिस का उनके बीच से खौफ खत्म है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी के सामने, जो मौजूदा आईपीएस है उसके घर के सामने इस तरीके की हरकत करना अपने हाथ में एक बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से इस तरीके की हरकतें हो रही थी, इससे पहले शिकायत की गई थी आम जनमानस की के द्वारा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब जिस तरीके से आईपीएस ने इस मामले में कंप्लेन की है, तो पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में और भी तहकीकात कर रही है कि आखिर उसके तरीके से हरकतें करने के पीछे
वजह क्या रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीन। औरैया के शेखपुर गांव में 6 लोगों की डेड बॉडी के एक साथ पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में परिवार के 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि शेखपुर के रहने वाले राहुल अपने परिवार के साथ लखनऊ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। राहुल अपनी पत्नी, बेटे, पिता, माता, छोटी बहन और छोटे भाई के साथ गाड़ी से लखनऊ से वापस शेखपुर लौट रहे थे। तभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अचानक गाड़ी असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकरा कर नीचे जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बहन और भाई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज कानपुर में चल रहा है। बता दें कि राहुल सविता समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। राहुल की पत्नी 7 माह का गर्भ भी थी। उसकी पत्नी की मौत होने पर गर्भ में बच्चे की भी मौत हो गई। एक परिवार की 5 लोगों के साथ एक गर्भ में यानी 6 लोगों की मौत होने पर पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। वापसी आ रहे थे तो रास्ते में तिरवा जैसे ही 195 उतर रहे थे जी, तो पता नहीं किस कारण उन्हें टकरा गया, किससे वहीं से मृत हो गई। 5 आदमी मृत हो गई। कौन कौन थे? राहुल, कृष्ण मुरारी हमारी बहन हुई हैं, आशा देवी हमारी बहन है, किस और राहुल हमारा भांजा है, लक्ष्मी हमारी बहू है, आयांश नाती है। क्या लगता है ये बड़ा दुखद एक ऐसी घटना है? कहाँ गया था ये लखनऊ? ये शादी के बाद से लखनऊ गया था। शादी में शामिल हुआ जी? किसकी शादी थी? वो इसके को रिलेशन से थे। तो तिरवा के नज़दीक आकर के कहीं टर्निंग पे इसको झपकी आ गई। झपकी आने से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद गाड़ी बैक होकर नीचे खड्डे में 3-4 पलटी लिया। जो भी मेंबर उसमें थे बराबर उसी में चिपकते चले गए। कोई ऐसा मौका विधाता नहीं दिया जो उसमें से एक भी बाहर भी निकल पाता या उसमें से कोई आवाज़ भी कर पाता। कितने लोग एक्सपायर हुए? इसमें 5 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुए हैं और 2 एक बहन और एक भाई छोटा सा कानपुर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सीयू में। क्या तो 7 मेंबर थे। क्या नाम था इनका? बोला दशहर में युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक की शनाख्त जनपद अमरोहा निवासी सूरज के रूप में हुई। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बुरा मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास का बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से आपको बता दें कि फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। वहीं मृतक के युवक की शिनाख्त जनपद के अमरोहा निवासी सूरज के रूप में हुई है। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ का बताया जा रहा है। फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव बुलंदशहर से खबर है। आपको बता दें कि एक युवक का शव फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं युवक की पहचान सूरज के रूप में की गई है। युवक जो है अमरोहा का निवासी बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ का बताया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस के सामने पीड़ित को दबंगों ने जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि मारपीट के मामले में पुलिस पीड़ित को कराया मेडिकल के लिए जा रही थी, जिस दौरान पुलिस के सामने दबंगों ने पीड़ित की पिटाई कर दी। मंदेगंज थाना क्षेत्र का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां पर पुलिस के सामने ही पीड़ित को दबंगों ने पीटा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस के सामने ही दबंगों ने पीड़ित को पीट दिया। ये पूरा मामला लखनऊ का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस के सामने ही दबंगों ने एक पीड़ित को पीटा है। पुलिस वहां पर खड़े देखते नजर आई। पुलिस के सामने दबंगों ने एक पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी।
दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाला गया है। धरना स्थल से लेकर सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने कहा, देश का गौरव बढ़ाने वाली पहलवानों के साथ हुई बर्बरता निंदनीय है। तो ब्रजभूषण शरद सिंह की गिरफ्तारी की प्रयागराज में मांग उठाई गई है, जिसको लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया, वहीं ब्रजभूषण शरद सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई है। देखिए, एक भाजपा के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ 40 आपराधिक मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया तो ये हमारी जो पहलवान साक्षी मलिक विद्युत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाके एफआईआर का ऑर्डर ले आती हैं और तब एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद एक महीने से गुहार मचा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जाँच नहीं हो रही है, जबकि नार्को टेस्ट के लिए वो करीब हमारा भी करवा लीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कल पार्लियामेंट नई का राज्याभिषेक हुआ हमारे मोदी जी का, और इधर महिलाओं को जबरदस्ती सड़क से जिस तरह से घसीटा गया है वो इतना शर्मनाक है कि ये भारत की। आज हम लोग कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी जो महिला पहलवान हैं, जो ओलंपिक में जो पूरे देश के लिए उन्होंने पदक जीता और जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिमामंडित किया, और उसके बाद उनका यौन शोषण लगातार जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो करते रहे, जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो जिस तरीके से एक महीने से लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनको कल बर्बरतापूर्ण ढंग से उनको घसीटते हुए पुलिस ले गई और उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके विरोध में आज हम लोग। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।